नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं बेसिक नॉलेज यूट्यूब चैनल। आप सभी लोग का वापस स्वागत है हमारे चैनल पे। आज लेके आ गया हूँ आपका सामने, आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना जो स्कीम आया है उसमें आपका नाम आया है कि नहीं आया है उसको चेक करने के लिए हम पूरा वीडियो बनाया हूँ आपके लिए। तो आपको अगर आपका नाम चेक करना है तो आपको मेरे साथ पूरा वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा। तो दोस्तों मेरे साथ बने रहिए, मैं एक एक स्टेप बता दूंगा कहाँ क्या करना है। आप अपना मोबाइल कंप्यूटर किसी भी तरफ से आप देख सकते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो मेरे को आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अभी बहुत सारा वीडियो हमारा चैनल पे आ चुका है, एक एक करके जाके आप लोग देखिए। अगर क्वेरी रहते हैं तो मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। तो हम लोग चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए मेन ब्राउजर में। मेन ब्राउजर में जाने के बाद आप गूगल में लिख सकते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना बोल के लिख सकते हैं ग्रामीण। लेकिन उसके लिए आज जो टॉपिक रहेगा वो ग्रामीण का ऊपर रहेगा, क्योंकि आज जो गांव में लोग हैं उन लोग के लिए एक बहुत सारा जो लिस्ट आया है वो निकाल के आया है, उसके लिए अपडेट है। मैं पूरा वीडियो एंड तक आपको बताऊँगा। आपको कुछ करना नहीं है, मैं इसका जो लिंक है आप देख सकते हैं, मैं एक बार जूम करके दिखा रहा हूँ आपको। pmayg.nic.in इसको लिंक को आप क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा आसान तरीके से। अगर नहीं मिलता है तो मैं आपको ये वाला लिंक है, मैं जो कर्सर देके दिखा रहा हूँ आप लोग देख सकते हैं। और अगर कुछ भी कमेंट सेक्शन में आप लोग जाके क्वेरी भी रेज कर सकते हैं, मैं जरूर कोशिश करूँगा उसका आंसर देने के लिए। तो हम लोग आ गए हैं मेन स्क्रीन में। मेन स्क्रीन में आने के बाद आपके पास में जो लिंक रहेगा उसको आप क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा और एक बार नोट भी कर सकते हैं pmayg.nic.in, ठीक है, nic.in ये वाला लिंक में क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपको अगर नहीं होता है तो ये वाला लिंक में क्लिक करने के बाद एंटर मार दीजिएगा, ऑटोमेटिक आपका सामने आ जाएगा। गूगल में डायरेक्ट खोलने ढूंढने से जो आ रहा है अभी अर्बन का जो सेक्शन है वो डायरेक्ट आ जा रहा है। अर्बन आपको देखना नहीं है, जिन लोग के लिए अर्बन सेक्शन है तो उन लोग अर्बन में जो शहर क्षेत्र में है और नहीं तो ग्रामीण क्षेत्र आपको देखना है। तो आपको इसी तरह का एक वेबसाइट ओपन हो जाएगा और आप देख सकते हैं पूरा डाटा आ गया है। आपको जाना है आवास सॉफ्ट में, सॉफ्ट में आने के बाद रिपोर्ट में आ जाना है, ठीक है। रिपोर्ट में क्लिक कर देंगे, क्लिक करने के बाद एक न्यू ओपन जो विंडो है ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको जहाँ आपका नाम दिखना है जो आपका नाम है कि नहीं, इसमें देखिए एक खुल गया फिजिकल प्रोग्रेस रिपोर्ट, फाइनेंशियल प्रोग्रेस रिपोर्ट, सोशल प्रोग्रेस रिपोर्ट, GIS रिपोर्ट, SECC रिपोर्ट। आपको SEC रिपोर्ट में क्लिक करना है, चार नंबर ऑप्शन में क्लिक करना है। कैटेगरी वाइज SEC डाटा वेरिफिकेशन समारी, जिन लोग का अभी देख सकते हैं हर स्टेट का कितना कितना वेरिफिकेशन हुआ है, आप लोग इधर देख सकते हैं कितना हुआ है, ठीक है। SC ST जनरल की जितना भी है आप देख सकते हैं कितना रिजेक्ट हुआ है, नंबर बेनिफिशियरी और रिमाइनिंग कितना है आप लोग ये भी देख सकते हैं। और इसके बाद बहुत सारा ऑप्शन भी दिया है किनका प्रायोरिटी में है, वेरीफाई हो गया है, ऑटोमेटिक आप लोग देख सकते हैं। अगर इसमें आपका स्टेट चुनना है तो आप कोई भी स्टेट चुन लीजिए। इसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट पूछा जाएगा, आप कौन सा डिस्ट्रिक्ट है। डिस्ट्रिक्ट में आने के बाद आप मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट दे दीजिए कोई भी, मैं ऐसे जनरली कोई भी डिस्ट्रिक्ट दे रहा हूँ। इसके बाद आपका तालुका पूछा जा रहा है, उसमें आप लोग क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद जो ऑप्शन आएगा आपका जो क्षेत्र का जो पंचायत है वो आ जा रहा है, कोई भी क्लिक कर लीजिए। मैं जस्ट एग्जाम्पल के लिए आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, आप लोग को ऐसे करना है। इसके बाद आपका जो आंसर आ रहा है क्वेश्चन आंसर शीट, उसमें आंसर दे देना है जो भी आ रहा है, ये ऑटोमेटिक चेंज होते रहता है, एक बार ध्यान रखिएगा। उसके बाद सबमिट ऑप्शन में क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपका सामने आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक आ गया है इस सेक्शन में, ठीक है। मैं इसको हाइड कर दे रहा हूँ क्योंकि
थोड़ा पर्सनल जानकारी रहता है किसी का भी, मैं उसको आपको दिखाऊंगा नहीं। आप ये वाला हाइड रहेगा, आप देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक नेम, पंचायत नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर भी आ गया, बेनिफिशियरी नेम, उसका पिताजी का नाम, मदर नेम, कैटेगरी कौन सा है, एसटी एससी जनरेटिव, प्रायोरिटी कहाँ है, कब का है, आप लोग देख सकते हैं। और अगर मान लीजिए आपको ये डाउनलोड करना है इस सेक्शन को, तो आप कंट्रोल पी करके डाउनलोड भी एक्सेल में कर सकते हैं, पीडीएफ में भी कर सकते हैं। मान लीजिए पीडीएफ में करना है तो पीडीएफ में क्लिक कर दीजिए, ऑटोमेटिक आपके पास समरी आ जाएगा। आप एक एक करके देखिए, अगर नहीं मिलता है तो आप दूसरे सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत आसान तरीका है, आपको जाना किधर भी नहीं है, आपको होम पेज में जो मैं जो दिखाया हूँ, बस सॉफ्टवेयर में और रिपोर्ट में क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद जो एक न्यू विंडो ओपन हो जा रहा है, उसमें लास्ट ऑप्शन में मतलब 4 नंबर कॉलम में आ जाना है, जो एसईसीसी रिपोर्ट बोल के है, उसमें सेक्शन में जो एकदम लास्ट वाला, ठीक है, लेटेस्ट अपडेट है। अगर आगे जानकारी आता है तो मैं आपको वो भी बताऊंगा, ठीक है। अगर कुछ भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।